नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के इस यूट्यूब चैनल में। आज है 12 अक्टूबर का दिन और 12 अक्टूबर के दिन के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज के दिन यानी 12 अक्टूबर के दिन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आज का हमारा है, हाल ही में सरस आजीविका मेला की जो शुरुआत है कहाँ पर की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हाल ही में सरस आजीविका मेला की जो शुरुआत है नई दिल्ली के इंडिया गेट, कहाँ? तो नई दिल्ली के इंडिया गेट पे इसकी शुरुआत की गई है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, इंडिया गेट के लॉन में, कहाँ? तो इंडिया गेट के लॉन में इसका आयोजन किया जा रहा है सरस आजीविका मेला का। तो इसे भी आप याद रखिएगा, यह जो मेला है 10 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा यह जो सरस आजीविका मेला है, यह दीनदयाल अंत्योदय योजना किसकी? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत यह एक पहल है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, यह जो सरस आजीविका मेला है इसकी जो शुरुआत है यह की गई है दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इस मेले का क्या नाम है? तो सरस आजीविका मेला। तो इसे भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तथा इस मेले का जो मेन उद्देश्य है, इस का उद्देश्य स्वयं सहायता समूह होते हैं उनके बीच एक प्लेटफॉर्म को लाना और उनके उन जो भी जितने भी स्वयं सहायता समूह के मेंबर्स हैं उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना इस मेले का मेन उद्देश्य है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तथा यह जो सरस आजीविका मेला है यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक मार्केटिंग जो शाखा है का पार्ट, यहाँ पे याद रखिएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक मार्केटिंग शाखा है कापाट, इसी के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, कापाट की फुल नेम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कापाट यानी काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। क्या है कापाट की फुल नेम? तो काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी कापाट, जो कि एक राष्ट्र हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक शाखा है, इसी के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये था आज का हमारा पहला प्रश्न 12 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के वीडियो का। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, तो इस वीडियो पर कम से कम आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के भी शेयर भी कीजिएगा। तथा अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स की वीडियो को पाने के लिए। तो आइए वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं और देख लेते हैं आज के दिन के कौन कौन से और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं। हाल ही में नोबेल पीस प्राइज 2019 के लिए किसे देने की घोषणा की गई है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जो 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार है यह दिया जाएगा अबी अहमद अली को, यानी जो ऑप्शन इसका बी है बिल्कुल सही हमारा है। ये अबी अहमद अली इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं जिनको 2019 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाएगा। तो ऑप्शन इसका हमारा बी बिल्कुल सही है। आप इसे याद देखिएगा, पिक्चर में आप देख रहे हैं ये हैं अबी अहमद अली, ये इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं, इन्हीं को 2019 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाएगा। तो इसे भी आप याद देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब इनको 2019 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार क्यों दिया जाएगा? तो इन्हें यह जो सम्मान है इरिट्रिया के साथ शांति बहाली के लिए किए गए प्रयासों के लिए दिया जा रहा है। किसके साथ? तो इरिट्रिया एक देश है, इरिट्रिया के साथ किए गए शांति प्रयासों के लिए इनको यह पुरस्कार दिया जा रहा है 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार। तो इसे भी आप याद रखिएगा, इनका क्या नाम है? तो अबी अहमद अली, तो ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं, तो आइए बात कर लेते हैं इथियोपिया के बारे में। तो पिक्चर में हम देख रहे हैं, यह है मैप इथियोपिया का। इथियोपिया से सबसे पहले एक चीज़ आपको याद रखने की जरूरत है, यह है इथियोपिया एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। क्या है? यह एक पूरी तरह भूमि से घिरा हुआ देश है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, यह पूर्वी अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ? तो पूर्वी अफ्रीका का यह एक देश है जो पूरी तरह से किससे घिरा हुआ है? तो पूरी तरह से भूमि से घिरा हुआ है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे आप देख रहे हैं इसके चारों तरफ, एक तरफ है इसके सूडान देश है, उसके बाद जिबूती देश है, उसके बाद गोडे, ये सभी देश हैं। तो देख रहे हैं साउथ सूडान है जा रहा है। तो चारों तरफ से ये भूमि से घिरा हुआ देश है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चार आपके पास ऑप्शन दे देते हैं, इनमें से पूछ लेता है कि इन चारों देशों में से कौन सा देश है जो पूरी तरह से लैंड लॉक कंट्री है। तो ये आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए कि कौन सी जो कंट्री है जो लैंड लॉक कंट्री है, तो ये आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो इथियोपिया देश जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये इथियोपिया देश एक
लैंड लॉक कंट्री है जो पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ? तो पूर्वी अफ्रीका का एक देश है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अब इथियोपिया की राजधानी आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, तो इथियोपिया की जो राजधानी प्रेजेंट टाइम में यह है आदिस अबाबा। क्या है? आदिस अबाबा प्रेजेंट टाइम में इथियोपिया की राजधानी है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तथा इथियोपिया के प्रेजेंट टाइम में जो राष्ट्रपति हैं वो हैं जिरमा ओल्डे जियोरसिस। कौन है? जिरमा ओल्डे जियोरसिस प्रेजेंट टाइम में इथियोपिया के राष्ट्रपति हैं। तथा यहाँ पे जो करेंसी चलती है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इथियोपिया की जो करेंसी है बिर चलती है। क्या चलती है? तो इथियोपिया में जो करेंसी चलती है वो चलती है बिर, तो इसे भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में राज्य विद्युत मंत्रियों का जो सम्मेलन है इसकी मेजबानी कौन राज्य करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। तो 2019 के लिए राज्य के विद्युत मंत्रियों का जो सम्मेलन है इसकी मेजबानी करेगा करेगा गुजरात राज्य। यानी जो ऑप्शन इसका है हमारा बी बिल्कुल सही है, गुजरात राज्य के द्वारा। तो गुजरात राज्य में राज्य के विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन किया जाएगा, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही, कहाँ पे किया जाएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। तो गुजरात राज्य के केवड़िया जिले में। कहाँ? तो गुजरात राज्य के केवड़िया जिले में नर्मदा नदी के तट पे। कहाँ? तो गुजरात राज्य के केवड़िया जिले के नर्मदा नदी के तट पे इसका आयोजन किया जाएगा, तो इसे भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तथा यह जो विद्युत मंत्रियों का सम्मेलन है या 2 दिवसीय सम्मेलन होगा, तथा इस सम्मेलन का जो मेन उद्देश्य है अस्थायी और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में उबलती प्रौद्योगिकियों के संबंधित नीतियों पर चर्चा करना इस सम्मेलन का मेन उद्देश्य है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इस सम्मेलन का जो आयोजन है वो किया जाएगा गुजरात राज्य में। अब गुजरात में इसका आयोजन किया जा रहा है, तभी बात कर लेते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात इसकी प्रेजेंट टाइम में राजधानी है गांधीनगर। क्या है? तो गुजरात की राजधानी प्रेजेंट टाइम में है गांधीनगर। प्रेजेंट टाइम इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं विजय रूपाणी, तथा यहाँ के जो गवर्नर है प्रेजेंट टाइम में वो है आचार्य देवव्रत। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है इस प्रश्न से रिलेटेड। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा दोहरे शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। तो हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले जो सबसे पहले बल्लेबाज हैं, सबसे ज़्यादा दोहरा शतक लगाने वाले जो पहले बल्लेबाज हैं बन गए हमारे भारतीय कप्तान जो हैं विराट कोहली। यानी जो ऑप्शन इसका है ए बिल्कुल सही, आप इसे याद रखिएगा। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं हमारे भारतीय कप्तान विराट कोहली। तो ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही, आप इसे याद रखिएगा। इन्होंने 7वां अब तक का अपने करियर का दोहरा शतक जड़ दिया है, जैसे भी आप याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट किसके खिलाफ? तो दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध इन्होंने 7वां दोहरा शतक जड़ दिया। इसके साथ ही ये पूरे विश्व में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा दोहरे शतक लगाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20 वर्ष पूरे करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20 वर्ष पूरे करने वाली सबसे पहली महिला क्रिकेटर बन गई है मिथाली राज। यानी जो ऑप्शन इसका ए है बिल्कुल सही, आप इसे याद देखिएगा। मिथाली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20 वर्ष पूरे करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो मिथाली राज हैं पिक्चर में आप देख रहे हैं, इनके द्वारा अपने इन्होंने अपने एक दिवसीय करियर की जो शुरुआत है 26 जून 1999 से की थी। कब की थी? तो 26 जून 1999 से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, तो इसे भी आप याद रखिएगा। आयरलैंड के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? तो आयरलैंड के विरुद्ध वर्ष 1999 में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा ये पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने करियर के 20 वर्ष पूरे कर लिए हैं, तो इन्हें भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तथा अब तक का इनके नाम एक सर्वाधिक स्कोर एक दिवसीय मैच में 204, तो 204 रन का अब तक का सर्वाधिक स्कोर है इन्हीं के नाम है, तो इसे भी आप याद रखिएगा एक दिवसीय मैचों में, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा कुछ अन्य फैक्ट्स हैं जो मिथाली राज के बारे में आपको पता होने चाहिए। ये जो मिथाली राज हैं महिला एक दिवसीय क्रिकेट में 6000 रनों का आंकड़ा पार करने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। उसके बाद एक दिवसीय क्रिकेट में लगातार 7 अर्धशतक बनाने वाली भी पहली महिला खिलाड़ी हैं। उसके बाद महिला एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक इन्होंने अर्धशतक भी बनाए हैं। इसके बाद मिथाली राज ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप फाइनल में 2 बार भारत की कप्तानी करने वाली एकमात्र महिला क्रिकेटर है। इन्होंने 2005 में भारतीय टीम की कप्तानी की थी क्रिकेट वर्ल्ड कप में, और 2007 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तानी की थी वर्ल्ड कप में, इसे भी आप याद रखिएगा। सॉरी 2017 में यहाँ पे होगा। उसके बाद मिथाली राज को वर्ष 2003 में अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया था। वर्ष 2003 में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद वर्ष 2015 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद वर्ष 2017 में इनको दिया गया था यूथ स्पोर्ट्स आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है मिथाली राज से रिलेटेड। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है,
स्पिरिट ऑफ केरल नामक शॉर्ट फिल्म के निर्देशक कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, तो स्पिरिट ऑफ केरल नामक शॉर्ट फिल्म के निर्देशक हैं अरुण जोसेफ। यानी जो ऑप्शन इसका इस प्रश्न का हमारा बी है वो बिल्कुल सही है, अरुण जोसेफ स्पिरिट ऑफ केरल नामक शॉर्ट फिल्म के निर्देशक हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा यह जो स्पिरिट ऑफ केरल शॉर्ट फिल्म है, इस फिल्म को हाल ही में माय रोड रील, कहाँ तो माय रोड रील फिल्म प्रतिस्पर्धा में पीपल्स चॉइस अवार्ड दिया गया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। यह जो शॉर्ट फिल्म है स्पिरिट ऑफ केरल, इसको माय रोड रील फिल्म प्रतिस्पर्धा में पीपल्स चॉइस अवार्ड दिया गया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इस फिल्म का जो निर्देशन है यह किया गया है अरुण जोसेफ के द्वारा, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से ट्रेवल एडवाइजरी को हटा दिया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो हाल ही में जो जम्मू कश्मीर राज्य है वहाँ से ट्रेवल एडवाइजरी को केंद्र सरकार ने हटा दिया है। यानी जो ऑप्शन इसका ए है बिल्कुल सही, आप इसे याद देखिएगा, ट्रेवल एडवाइजरी को हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से हटा दिया है, तो ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा ए है बिल्कुल सही, आप इसे याद देखिएगा। जैसा कि आपको पता होगा हाल ही में जो अमरनाथ यात्रा था, अमरनाथ यात्रा थी उसको 2 अगस्त को ट्रेवल एडवाइजरी जारी करके रद्द कर दिया गया था, रोक दिया गया था। 2 अक्टूबर के दिन ट्रेवल एडवाइजरी जारी करके जो अमरनाथ यात्रा की जाती है उसको रोक दिया गया था। इसी के तहत पुनः इस ट्रेवल एडवाइजरी को अब केंद्र सरकार ने हटा लिया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। परंतु अभी भी जो जम्मू कश्मीर राज्य है वहाँ पे संचार प्रतिबंध अभी भी लगा हुआ क्या है, तो संचार प्रतिबंध अभी भी जम्मू कश्मीर राज्य में लगा हुआ है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 क्या, तो जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन विधेयक 2019 पारित करके जो जम्मू कश्मीर का अनुच्छेद था 370 उसको हटा दिया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रेजेंट टाइम में जो जम्मू कश्मीर है इसकी राजधानी क्या है, तो जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम में राजधानी है श्रीनगर। क्या है, तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है। तथा एक राजधानी इसकी जो श्रीनगर है यह इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, तथा जो जम्मू है इसकी शीतकालीन राजधानी, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा प्रेजेंट टाइम में जो जम्मू कश्मीर राज्य है यहाँ पे राज्यपाल शासन है। क्या है, तो प्रेजेंट टाइम में जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन है। तथा प्रेजेंट टाइम में जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल है वो हैं सत्यपाल मलिक। कौन है, सत्यपाल मलिक प्रेजेंट टाइम में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था हमारा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस को कब मनाया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है इसको 11 अक्टूबर के दिन मनाया गया। यानी जो ऑप्शन इसका सी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस को हाल ही में 11 अक्टूबर के दिन मनाया गया, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसको मनाए जाने का जो मेन उद्देश्य है बालिकाओं के अधिकार के बारे में जागरूकता फैलाना। क्या है, तो बालिकाओं के अधिकार के बारे में जागरूकता फैलाना तथा उन्हें शिक्षा पोषण स्वास्थ्य सुविधा कानूनी अधिकार तथा भेदभाव से संरक्षण उपलब्ध करवाना इस अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस को मनाने का मेन उद्देश्य है, जिसको हाल ही में 11 अक्टूबर के दिन मनाया गया, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा इसको जो पहली बार है 11 अक्टूबर 2012 को मनाया गया, तो इसे भी आप याद रखिएगा, 11 अक्टूबर वर्ष 2012 को इसको पहली बार मनाया गया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तथा किसके द्वारा मनाया जाता है, तो यह जो हमारा है संयुक्त राष्ट्र महासभा, तो इसी के द्वारा इसे मनाया जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, हाल ही में 2019 के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो 2019 के लिए जो साहित्य में नोबेल पुरस्कार है यह दिया गया है, इनका क्या नाम है, तो पीटर हैंडके। यानी जो ऑप्शन इसका बी है बिल्कुल सही, आप इसे याद रखिएगा। पिक्चर में आप देख रहे हैं यह है पीटर हैंडके, इनको 2019 के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तथा एक चीज़ और आप याद देखिएगा, 2018 के लिए जो नोबेल पुरस्कार साहित्य का वो वितरित नहीं किया गया है, तो 2018 का भी जो साहित्य में नोबेल पुरस्कार है वो 2019 में ही दिया जाएगा। तो 2018 के लिए जो साहित्य में नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है ओल्गा तोकारजुक को। इसी भी आप याद देखिए, पिक्चर में देख रहे हैं ओल्गा तोकारजुक, इनको 2018 के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तथा पीटर हैंडके को यहाँ पे देख रहे हैं, पीटर हैंडके हैं, इनको 2019 के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो दोनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो ओल्गा टोकारजुक हैं ये पोलैंड के हैं। कहाँ के हैं, ये पोलैंड के हैं, जिनको 2018 के लिए नोबेल का साहित्य पुरस्कार दिया जा रहा है। उसके बाद जो ये हैं पीटर हैंडके, कौन है, तो ये हैं पीटर हैंडके, ऑस्ट्रिया के हैं। कहाँ के हैं, ये ऑस्ट्रिया के एक लेखक है। कहाँ के, तो ऑस्ट्रिया के लेखक है पीटर हैंडके, इनको 2019 के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला इंपॉर्टेंट जो प्रश्न हमारा है,
तो पिक्चर में देख रहे हैं ओल्गा तोकारजुक, ये कहाँ की है? तो इनको 2018 के लिए जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है इनको दिया जा रहा है। ये कहाँ की हैं? तो ये पोलैंड की हैं। कहाँ की हैं? तो पोलैंड की हैं, इसे आप याद रखिएगा। तथा ये हैं पीटर हैंडके, ये कहाँ के? ऑस्ट्रिया के एक लेखक हैं। इनको 2019 के लिए नोबेल का साहित्य पुरस्कार दिया जा रहा है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में जो रेटिंग एजेंसी है मूडीज ने भारत की जो विकास दर है वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कितना बताया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो रेटिंग एजेंसी है मूडीज, इसके द्वारा भारत की जो विकास दर है 2019-20 के लिए, इसको 6.2% से घटाकर 5.8 कर दिया गया। यानी जो ऑप्शन इसका बी है बिल्कुल सही है। पहले मूडीज के द्वारा जो भारत की विकास दर है वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बताई गई थी 6.2%, परंतु अब इसको घटा के 5.8% कर दिया है मूडीज ने। तो ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही, आप इसे याद रखिएगा, 6.5%, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अब मूडीज के द्वारा यह जो है विकास दर भारत की बताई गई है, तो ये जो मूडीज है इसकी स्थापना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यह जो मूडीज है यह एक अमेरिकी रेटिंग एजेंसी है जिसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1909 में। कब की गई थी? वर्ष 1909 में इसकी स्थापना की गई थी। तथा इसका जो हेडक्वार्टर है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क सिटी में। कहाँ? तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला, अब हम बात करेंगे कल के सवाल की। जो कल का सवाल आपके लिए था, हाल ही में यूनेस्को की जो गुडविल एम्बेसडर बनाई गई अलेजा अपारसियो, ये किस देश से हैं? तो आपको बताना था। तो हाल ही में यालिज्जा अपारसियो ये हैं मेक्सिको देश की। यानी जो ऑप्शन ए था हमारा बिल्कुल सही था। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न था, हाल ही में विश्व डाक दिवस को कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर था 9 अक्टूबर के दिन। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही था। तो दो प्रश्न कल के थे आपके। अब हम बात करेंगे आज के प्रश्न की, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में 38वां इंडिया कॉरपोरेट एक्सपो का जो शुरुआत है कहाँ पे किया गया है? पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। उसके बाद हाल ही में अनीता पाई को किस बैंक का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी COO नियुक्त किया गया है? तो दो प्रश्न आपके लिए हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर हम आपको कल के वीडियो में देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।